इन्फेंट्री रेजिमेंट में नए रिक्रूट्स का पहला दिन। मैं सूबेदार सुरजीत सिंह, गोत्रिया कंपनी, सीनियर जेसुप, नए भर्ती हुए होकर आए जवानों का गोत्रिया कंपनी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके रहने के लिए आपके दाहिने और मेरे बाएं नजदीक बिल्डिंग में बंदोबस्त किया गया है। अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है, आप अपने बेसिक उस्ताद को बताएं, वो आपको एमआई रूम में ले जाएगा। यहां पर सभी प्रकार की दवाई का बंदोबस्त किया गया है। इस दौरान अगर आपने अपने घर में कोई बातचीत करनी हो मेरे पीछे और आपके सामने बिल्डिंग के दाहिने किनारे पर एसटीडी बूथ लगाया गया है। आप समय समय पर जाकर वहां पर अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। आपके खाने का बंदोबस्त बिल्डिंग के पीछे कुकोस वहां पर आपको उस्ताद लेकर जाएगा और उसे वापस कराएगा। अभी अगले 9 महीने तक आप जहां ट्रेनिंग लेंगे, इस दौरान आपको अपने घर वालों के साथ मिलने के लिए ऐतवार के दिन गेस्ट मिलन दे रखा गया है। और बीएमटी खत्म होने के बाद आपको 28 दिन की छुट्टी दी जाएगी। उस छुट्टी के दौरान आप अपने घर वालों से उपभू मिल सकते हैं। छुट्टी खत्म होने के बाद आपको बीएमटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी पासिंग आउट परेड होगी। पासिंग आउट परेड होने के बाद आप जैक लाइक रेजिमेंट की जुंटों के अटूट अंग बन जाएंगे। अभी आप सिविल माहौल से आए हैं, फौजी माहौल में डालने के लिए आपका हेयर कट कराया जाएगा। अगले दिन आपको किट इशू किया जाएगा। हेयर कट के लिए हॉल्डर पवन इन्हें बार्बर शॉप में ले जाए। रिक्रूट्स को पता था कि अब उनकी जिंदगी में कई तब्दीलियां आने वाली हैं। उसकी शुरुआत हो चुकी थी। फौजी तरीके में बाल कटवाना पहला कदम था। छोटे छोटे बालों को कम रख रखाव की जरूरत पड़ती है और इंसान दिखने में चुस्त और स्मार्ट लगने लगता है। पहला कदम तय करने के बाद इनका अगला पड़ाव है बटालियन स्टोर। यहाँ रिक्रूट्स को अलग अलग किस्म की फौजी वर्दियां बांटी जाती हैं। वही फौजी वर्दियां जिनको अब तक ये हसरत भरी निगाहों से देखते थे, पर आज उन्हें पहनने का मौका और हक इनको मिला है। अपने अफसरों से वर्दियां हासिल करना इनकी जिंदगी का पहला तमगा है जो इन्हें मिलता है। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती पहनावा हासिल करने के बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस पहनावे को कब पहना जाए और किस तरह से पहना जाए। सभी नए रिक्रूट ध्यान दें, जो आपको बटालियन स्टोर से ड्रेस इश्यू है उसको आप किस प्रकार से तैयार करके पहनना है। सबसे पहले कैप को किस प्रकार से तैयार करना है उस्ताद आपको उसका नमूना देगा। आप अच्छी तरह उसे देखें और समझें। उस्ताद आशिक हुसैन। वर्दी को पहनने का सलीका आना निहायत जरूरी है। पहली नजर में किसी फौजी को किसी आम आदमी से जो चीज अलग करती है वो है पहनावे का सलीका। ये रिक्रूट्स को समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई सजीली और रोबेली टोपी से, यानी बैरेट से। सबसे पहले बैरेट के अंदर रोई वाले हिस्से को बाहर निकालें और बैरेट के ऊपरी भाग को पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद इसे निचोड़ें और झाड़कर उसका पानी निकाल दें। पानी अंदर ले जाता है जिसको हम साइड में लेके इसको हल्का सा ठंडना है। 2, 3, 4। अब रुई वाले हिस्से को फिर से अंदर डाल दें। इसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके टोपी को ऐसे घुमाएं कि वो पहले जैसी सूरत में आ जाए। अब बारी है इसको सिर पर बैठाने की, पर उससे पहले ध्यान रहे कि बैच के अंदर की तरफ की इस लिट को बाईं आंख की सीध में रखते हुए पहनना है। अब बैरेट के बॉर्डर में पिरोई हुई डोरी को
अपने साइज के हिसाब से कस लें। अब बैरेट वापस उतार कर किसी पतली और नुकीली चीज से बची हुई डोरी को अंदर की तरफ धकेल दें। अब बैरेट को फिर से सिर पर लगाएं। अब बारी है इसको अपने सिर पर सेट करने की। टोपी को पहनने के बाद में अभी यहाँ पर आपकी टोपी सेट नहीं है, अभी किस प्रकार उसको सेट करना है आपने दोनों हाथों से? अपना एक हाथ बॉर्डर पर इस तरह से टिकाएं और दूसरे हाथ से जोर से दबाते हुए दूसरी तरफ मोड़ें। अब बारी है बैच लगाने की। सबसे पहले 1.5 इंच की चौड़ाई वाली चिंदी को सही जगह पर रखकर निशान लगाना है। चिंदी को इस प्रकार से बैरेट पर खड़ा करें। अब चिंदी के बीच का हिस्सा आपकी आंख के सेंटर में होना चाहिए। यहां पर निशान लगाकर बैरेट को उतार लीजिए। उतारने के बाद हमें चिंदी की सिलाई लगाए गए निशान पर रखकर करवानी है। अब अपना रेजिमेंटल बैच चिंदी के ऊपर इस प्रकार रखें कि वो चिंदी के खड़े कोनों के बीचों बीच आ जाए। ये चिंदी का कॉर्नर का कॉर्नर और ये दो राइफल के बीच में जो क्रॉस बन रहा है इसका सेंटर और ऊपर वाला चिंदी का ऊपर वाला कॉर्नर, इन चारों को आपस में मिलाना मिलाते हुए बैच को सेट करना है। अब बैच को नीचे की तरफ दबाएं ताकि चिंदी में दो निशान हो जाएं। अब इन निशानों में किसी नोकीली चीज से सुराख करें। अब उन सुराखों में बैच को बिठा दें। अब इसे पलटकर अंदर की तरफ से ये पिन इस प्रकार से लगा दें। इससे बैच अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और कभी गिरेगा नहीं। पिन लगाने के बाद ये लिड ऊपर रख कर इसकी सिलाई कर दें। अब बैच का पिन सिर पर नहीं चुभेगा। अब हो गई बैरेट तैयार। शोल्डर बैच को सरकाकर एकदम नीचे की तरफ लगाएं, जिससे वो ढीला ना रहे। नेम बैच दाहिनी जेब की ऊपर वाली सिलाई के साथ एकदम सीधा करके लगाएं। बेल्ट को सेट करने से पहले दाहिने हाथ में मुड़ा हुआ कुंडा और बाएं हाथ में सुराख वाला कुंडा पकड़ें। बेल्ट लगाने से पहले ध्यान में रखें कि कमीज की ये लाइन और जिप की लाइन एकदम सीध में हो और बेल्ट का बकल ठीक उनके बीचों बीच में हो। बैक साइड के ये दो कुंडे पिछले वाले लूप से बराबर दूरी पर रहें। आगे से बकल बंद करने के बाद इस प्रकार कमीज की सिलवटें निकाल लें, आगे और पीछे दोनों तरफ से। ड्रेस पहनने के बाद कमीज के ऊपरी 3 बटन दिखने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। पैंट पहनने के बाद जूते के केवल 2 फीते ही दिखने चाहिए। पगड़ी पहनते समय ख्याल रखें कि पगड़ी के दोनों तरफ 6 सिलवटें बने। पगड़ी के बीच में दिखने वाली लाल पट्टी की लंबाई 1.25 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। कॉम्बैट ड्रेस में आगे की तरफ लगा पाउच इस्तेमाल होगा एम्यूनिशन रखने के लिए, जिससे फौजी के हाथ खाली रहें। पीछे लगे बैग में होगा एम्यूनिशन के साथ गुजारे लायक जरूरी सामान। मुफ्ती ड्रेस, नाइट ड्रेस और पीटी ड्रेस को पहनते समय भी ये ध्यान रखना है कि वो साफ सुथरी हों और सलीके से पहनी गई हों। पहनना सीख लेने के बाद अब जरूरी है अपनी वर्दी और सामान को सही तरह से रखना। सबसे पहले हर रिक्रूट को अपना खास आर्मी नंबर लिखकर अपने हर सामान में लगा देना है। अपने लॉकर्स पर बने शेल्फ पर रोजमर्रा का सामान रखना है और हैंगर्स का इस्तेमाल अपनी वर्दी टांगने के लिए करना है। शाम होने के बाद नाइट ड्रेस पहनकर अपने कपड़े और जूते दुरुस्त करें और आने वाले कल की तैयारी करें।
ठीक 10 बजे की सीटी ऐलान करती है सोने के वक्त का।